मैं भानु प्रकाश, जूलॉजी व्याख्याता, आपका ग्रामीण परिवार कन्या महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लास में एक शुरुआती इंट्रोडक्शनरी टॉपिक बीएससी के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को कुछ बताएंगे। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को यहाँ कुछ बेसिक जानकारी जो है बता रहा हूँ आज। उस बेसिक जानकारी में हम देखेंगे कि भी बीएससी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक आपने क्या पढ़ा है, फिर आगे आपको क्या एक लेआउट या ब्लूप्रिंट जो है वो देखना है। सबसे पहले, आपने अभी 12th क्लास पास की है, इस 12th क्लास में आपने मुख्यतः तीन विषय का अध्ययन किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हालांकि हम जो है बायोलॉजी विषय को पहले से ही थोड़ा बहुत एक प्रीलिम आइडिया में देखते हैं कि दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो इसके अंदर होता बॉटनी और जूलॉजी, लेकिन इस बायोलॉजी विषय को आप बॉटनी और जूलॉजी के हिसाब से संयुक्त रूप से पढ़ते हो। यहाँ आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो उस बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे 12th क्लास में रहे, उसके आधार पर यहाँ तीन सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल रहेंगे, और इन तीन सब्जेक्ट के अंदर देखो, एक सब्जेक्ट रहेगा आपका केमिस्ट्री, दूसरा इसके अंदर बॉटनी, और तीसरा इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा जूलॉजी। मतलब आप यहाँ इस फिजिक्स सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, और इस फिजिक्स सब्जेक्ट के बाद आप बायोलॉजी विषय को, जो बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल वाले विद्यार्थी हैं, वो दो हिस्से में इस विषय को पढ़ेंगे। इसमें आप बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को अलग तरीके से या अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे। देखो, यूनिवर्सिटी का एक नॉर्म्स होता है पढ़ने का तरीका, हर पेपर या हर सब्जेक्ट का। उसी नॉर्म्स के अंतर्गत यहाँ हर एक जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के तीन तीन पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। सेम ऐसे ही पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ऐसे ही पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। हालांकि हमें जो बीएससी करनी है, उस बीएससी के अंदर 3 साल पूरे जो विषय है उनका अध्ययन करेंगे। इन तीनों साल में हर एक सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे बॉटनी और जूलॉजी के हिसाब से उनके नाम अलग होते हैं। हालांकि केमिस्ट्री के आधार पर आपका पहला पेपर इनऑर्गेनिक, दूसरा पेपर ऑर्गेनिक, और थर्ड पेपर इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। लेकिन बॉटनी और जूलॉजी के अंदर हर साल पेपर का नाम अलग-अलग होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है, यहाँ हम जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें जूलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। हम इस जूलॉजी सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पेपर फर्स्ट जो जूलॉजी का रहेगा, उसका यूनिवर्सिटी के हिसाब से नाम नॉन कोडेड
या इनवर्टिब्रेट, जिसमें हम लोअर नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि ये हम सिर्फ इसका जनरलाइज नाम देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन जो है उसको पढ़ना होता है, साथ ही इसकी डाइवर्सिटी का भी स्टडी करना होता है, तो उसके आधार पर इसका नाम जो है वो थोड़ा सा लंबा लेंथ ही होता है इसका। मैंने उसको स्किप किया है, लोअर नॉन कॉर्डेट या लोअर इनवर्टिब्रेट। इसी तरीके से पेपर सेकंड जो रहेगा आपका वो हायर नॉन कॉर्डेट या इन वर्टिब्रेट का पेपर रहेगा। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर हायर और लोअर नॉन कॉर्डेट, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट जंतुओं को है वो आप पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर अध्ययन करेंगे। पेपर थर्ड आपका रहेगा साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मतलब इसमें आप तीन टॉपिक विशेष तौर पर देखेंगे, साइटोलॉजी जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं, इसमें आप सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इसी बुक में एक टॉपिक आपका बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आप बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम हार्मोन उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में, और लास्ट इसके अंदर टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसमें बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा ठीक है कुछ और अपने वायरस वगैरह उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये तो बात रही है अपने पेपर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की, प्लस आपका प्रैक्टिकल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे बॉटनी में भी होगा प्रैक्टिकल, प्लस अपने केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होगा, मतलब एक चौथे सब्जेक्ट के रूप में या चौथे पेपर के रूप में एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी अपने को अध्ययन करना होता है, उसमें हम प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि हम जो है यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको यदि थोड़ा सा और देखें, चाहे पेपर फर्स्ट हो सेकेंड हो थर्ड हो, इनकी जो है तीन सॉरी पांच प्रत्येक पेपर के अंदर इकाई या यूनिट होती है, मतलब इस पेपर को पांच इकाइयों में बांटा गया है, इस पेपर को भी पांच इकाइयों में बांटा गया है, और इस पेपर को भी पांच इकाइयों में बांटा गया है। हालांकि पूरे जो डिटेल है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर वेबसाइट के ऊपर सिलेबस में ये मेंशन किया होता है किस तरीके से जो मार्किंग एडवांटेज है वो होता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि भी हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी के अंदर जो मेन दो चीजें अध्ययन करनी है, एक तो इसमें नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट जंतु के बारे में, दूसरा इसके अंदर आपको सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानकारी लेनी है। हम यहाँ एक इंट्रोडक्शन के रूप में नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट जंतु के बारे में थोड़ा परिचय ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत व्हाट इज नॉन कॉर्डेट व्हाट इज इनवर्टिब्रेट उसी को अपने थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक व्यू के रूप में। देखिए बेटा कि भी जो इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट इसको आप हिंदी में कहते हैं अकशेरुकी, ये जंतु और दूसरे जंतु क्या होते हैं कॉर्डेट, ये वास्तव में है क्या चीज, हालांकि पूरा आपने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल अपने देखेंगे कि भी व्हाट इज नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट ठीक है या नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट के बीच में डिफरेंस अपने देखें। इनके बीच में डिफरेंस यदि करना हो तो सबसे पहले अपने को एक टिपिकल कॉर्डेट एनिमल के करेक्टर को देखना, जैसे कि आप यहां देख रहे हो
एक टिपिकल कॉर्डेट जीव है जिसके अंदर ऊपर की तरफ एक नर्व कॉर्ड मौजूद है। नर्व कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। इसी के नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर रोड जैसी स्ट्रक्चर जिसे आप मोटो कॉर्ड कहते हैं, ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट जंतुओं के बीच में डिफरेंस करने वाली मेन स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके अंदर यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल को अपने बता रहे हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ आप इसके अंदर जब कुछ इसके हिस्से देखें। सबसे पहले बात करेंगे कि कॉर्डेट जीव के अंदर क्या ऐसा है जिसको इस कॉर्डेट जीव को अलग एक कैटेगरी में रखा गया। कॉर्डेट जीव के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर ये होता है कि उसकी डोर्सल साइड एनिमल की, ये तो डोर्सल साइड होती है ऊपर की साइड, और ये क्या होती है वेंट्रल साइड, और साइड में जो साइड होती है उसे कहते हैं लेटरल साइड। तो यहाँ पर ये डोर्सल वेंट्रल, तो डोर्सल साइड की तरफ एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड हालांकि हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर नर्व कॉर्ड जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर में होकर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, यानी कि अंदर से यदि आप इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो ये अंदर से क्या होगा, ऐसे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है। कॉर्डेट जो जीव होते हैं, उन कॉर्डेट जीवों के अंदर नर्वस सिस्टम की जो नर्व कॉर्ड है वो डोर्सल साइड की तरफ और एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में होती है। ये एक प्रारंभिक कॉर्डेट का लक्षण होता है। दूसरी इसके अंदर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है ये छड़नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कॉर्डेटा के अंदर एक अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन के रूप में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर होती है, और इस एंडोस्केलेटन के अंदर मिलने वाली या इस एंडोस्केलेटन के रूप में मिलने वाली स्ट्रक्चर का काम यह होता है कि ये जंतु को एक सपोर्ट अलंबन प्रदान करे जिससे जंतु अपनी एक निश्चित आकृति को प्राप्त करे। यहां हम बात करेंगे एक और कैरेक्टर होता है कॉर्डेटा का, ये कहलाती है इसके अंदर फ्रेंजिल गिल स्लिट। फ्रेंजिल गिल स्लिट्स का मतलब क्या हुआ, फ्रेंजिल मतलब फेरिक्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जलीय जंतुओं में ये देखा जाता है माउथ, माउथ के आगे का हिस्सा फेरिक्स कहलाता है। ये एक्वेटिक एनिमल की खासियत होती है। फिर उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल, ये इसका एनस गुदा भाग जिसे हम कहते हैं। यहाँ इस फेरिंग्स भाग के अंदर जंतु के शरीर से बाहर की तरफ कुछ दरारें खुलती है, स्लिट मतलब दरारें, और उन दरारों के अंदर एक श्वसन अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं गिल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। होता क्या है, काम क्या होता है इसका, कि भी जलीय जंतुओं के अंदर पानी जो है वो मुख्यतः मुख की सहायता से इस फेरिंग्स में पहुंचता है, और फेरिंग्स से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। इससे दो फायदा हुआ है। एक फायदा तो ये हुआ कि भी जंतु के अंदर की तरफ भोजन के कण रह गए और पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल गया इन दरारों से होते हुए। इन दरारों से जब पानी इसमें से होकर निकलता है तो यहाँ जो ये इसके अंदर दिख रहा श्वसन अंग जिसके ऊपर से पानी उतरता है, तो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो जंतु को दो तरीके का फायदा हो गया, एक तो भोजन की उपलब्धता हुई इस प्रोसेस से, दूसरा इसी के साथ श्वसन की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाती है। अब ये जो तीन करेक्टर है आधारभूत, जैसे कि ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का, दूसरा मोटर कॉर्ड का, और तीसरा इसके अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट, यदि किसी एनिमल के शरीर के अंदर ये तीनों लक्षण जीवन की किसी प्रावस्था में यदि मिलते हैं तो वो जंतु कोर्डेट कहलाते हैं। बाकी सारे के सारे जीव जो है वो क्या होते हैं, नॉन कोर्डेट या अकशेरुकी जीव कहलाते हैं। हालांकि एक प्रारंभिक संरचना के रूप में हम जो नॉन कोर्डेट जंतु है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये हम यदि नॉन कोर्डेट जंतु है उसकी स्ट्रक्चर को यदि बनाना चाह रहे हैं तो इसमें ये हिस्सा इसका जंतु का एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में आहार नाल माउथ हो गया, और ये एनस, इसमें
इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्चुअल में नीचे की साइड, नर्व कोड जो है वो एक्चुअल में इनवर्टिब्रेट के अंदर, हम इस जंतु के बारे में देख रहे हैं। इसमें पहले बात तो कि भी कॉर्डेट जीव के आधार पर यहां पर इसमें क्या अंतर है। कॉर्डेटा में नर्वस सिस्टम ऊपर की तरफ है, जो यहां पर नर्वस सिस्टम या नर्व कोड जो है वो नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में। दूसरी बात, ये कॉकली ट्यूब के रूप में स्ट्रक्चर होती है नर्व कोड, लेकिन यहाँ पर जो नर्व कोड है वो आगे की तरफ, सॉरी नर्व कोड जो है वो एक यहाँ पर ठोस स्ट्रक्चर के रूप में, कोई खोखली संरचना के रूप में नहीं होती। दूसरी बात, इसके अंदर यहाँ पर ये जो दिख रही है ये इसके अंदर गैंगलियोन, गुच्छिकाओं के नाम से जानते हैं इसे। गैंगलियोन वास्तव में क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ खुले हुए भाग होते हैं, वो संरचनाएं गैंगलियोन जैसी संरचनाएं यहाँ है कशेरुकी जीव में पाई जाती है, जबकि आपके जो कॉर्डेट जंतु है उनके अंदर गैंगलियोन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो एक तो ये अंतर हुआ कि नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड में, वहां डोर्सल साइड में। दूसरी बात, वो खोखली ट्यूब के रूप में होती है, जबकि यहाँ पर ये नर्व कॉर्ड जो है वो क्या होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में, और उसमें गैंगलियोन मौजूद है। यहाँ इसका हिस्सा खुलकर ब्रेन या मस्तिष्क बना रहा है, जबकि इसका जो ये आगे का हिस्सा है वो खुलता नहीं है, एक नर्व रिंग के रूप में, नर्व रिंग के रूप में ब्रेन का निर्माण करता है। एक और बात करें कि भी यहाँ कॉर्डेट जंतु के अंदर जो हर्ट है वेंट्रल साइड की तरफ है, जबकि यहाँ पर जो हर्ट है उसकी पोजीशन इनवर्टिब्रेट या कशेरुकी जंतु के अंदर हमेशा डोर्सल साइड की तरफ होती है। फिर बात करें इसके अंदर कॉर्डेट जंतु के अंदर एनस के बाद का कुछ हिस्सा एक टेल या पूंछ का निर्माण करता है, जबकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेल जैसी, पूंछ जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, नहीं यहाँ पर कोई ब्रेंजियल गिल स्लिट जैसी स्ट्रक्चर है। तो इस आधार पर हम अकशेरुकी और जो कशेरुकी जीव है कॉर्डेट जिसे हम कहते हैं उनके बीच तुलना करते हैं। हालांकि अकशेरुकी जीवों का ग्रुप सबसे बड़ा है, जबकि कॉर्डेट जीवों का ग्रुप जो है वो काफी छोटा होता है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर नॉन कॉर्डेट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा एक छोटा इंट्रोडक्शन हुआ है इस बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे। आशा करता हूँ आप जो है आगे के लेक्चर को भी अटेंड करेंगे। धन्यवाद।